Shut up and sit down. हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपके सामने मैं ना लोहा लेके आया हूँ। तो भाई यार, सारे ही बोलोगे यार क्या ही बात कर रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है और तुम इसको लोहा कह रहे हो। यार मेरे को एक बात बताओ कि अगर यार गाड़ी का बम्पर तक भी लोहे का हो तो उसको लोहा नहीं तो और क्या ही कहेंगे यार। और दूसरी चीज़ इस गाड़ी के बारे में कि यार ये गाड़ी ना सबको अपना लोहा मनवाती है यार, क्योंकि अगर इसके सामने कोई गाड़ी आ जाए उस गाड़ी को भी भाई साइड में इसको दे के ही निकलना पड़ता है। जैसे कई लोग हैं कि इस गाड़ी को टो ट्रक की तरह भी यूज़ करते हैं, तो भाई ये लोहा मनवाने वाली बात ही होगी ना एक तरीके की, कि इतना ज़्यादा वेट को कैरी करके चलती है ये गाड़ी और क्या कहते हैं लोहा इतना लगा हुआ है इस गाड़ी में कि जो सामने वाली गाड़ी है उसको भी साइड से होके निकलना पड़ता है। तो इसलिए भाई मैं इसको लोहा कह रहा हूँ। और भाई अपना एक और चीज़ बताता हूँ यार इस गाड़ी के बारे में के यार ये गाड़ी ना महिंद्रा के नाम पे नहीं बिकती। अगर आप अब ये सोच लो कि यार महिंद्रा बलैरो है इसलिए ये गाड़ी बिक रही है, ना भाई ना, मैं यही कहूँगा कि बलैरो ना एक अपने आप में अब एक ब्रांड नेम बन चुका है भाई। जो देसी बंदे हो गए, जैसे जाट हरियाणवी जाट हो गए, या जैसे पंजाब में ना लुधियाना एक सिटी, वहाँ पर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, तो लोग ना बलैरो ही पसंद करते हैं। अब वो ये नहीं पूछते ना सोचते हैं कि ये महिंद्रा की है या किसकी है, बस जाके सीधा यही कहते हैं भाई हमें बलैरो लेनी है। कभी किसी के नाम से ये नहीं सुनोगे कि भाई महिंद्रा बलैरो लेनी है। तो जो बलैरो है ना वो खुद में एक ब्रांड नेम बन चुका है यार। ये ना गाड़ी बहुत ज़्यादा धक्कड़ है, क्योंकि यार ये गाड़ी अब गानों में भी बहुत आती है। तुमने हरियाणवी गाने सुन के देखना, उसमें भी यार ये गाड़ी की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की गई है, क्योंकि यार भाई सभी की मीन काफ़ी ज़्यादा फेवरेट गाड़ी है। एक तो भाई देखो SUV है, और दूसरे जो धाकड़ टाइप के बंदे होते हैं वो इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं, इसलिए भाई इस गाड़ी को हम धाकड़ भी कह सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं भाई इस बलैरो के रिव्यू से। सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये बलैरो ना ZLX टॉप वेरियंट है, और वो भी स्पेशल एडिशन। अब भाई जो ये स्पेशल एडिशन है उसका सबसे खास चीज़ यार, जो बलैरो आती है ना वो वाइट कलर में आती है, बट ये जो कलर है ना भाई ये पर्ल वाइट कलर है। स्पेशल एडिशन में सबसे मेन अंतर यही चीज़ का है। तो भाइयों इसके मॉडल के बारे में बताऊँ तो यार ये ना 2015 मैनुफैक्चर्ड है और 2016 रजिस्टर्ड है। तो भाई सबसे पहले ना हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये भाई जो ये ओनर है इसने ना बड़ा बड़ा इसके आगे बलैरो लिखवाया हुआ है, चंडीगढ़ नंबर रजिस्टर्ड है। तो इसमें ये नीचे फॉग लैंप भी डलवाए हुए हैं, और जो इसके मेन लाइट्स आती हैं वो हैलोजन ही आती हैं, साइड पे इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो सिंपल सी गाड़ी बनाई हुई है, कोई खास मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ इसमें है नहीं। तो अब इसके इंजन के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। इसमें ना 1500 cc का इंजन आता है, जो कि 63 BHP और आई थिंक 198 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है भाई। तो ये देख सकते हो भाई इसका इंजन भाई ऐसा दिख रहा है, ये 1500 cc का इंजन है डीजल वाला, ठीक है। अब ना हम आपको इसकी थोड़ी साउंड भी सुनाते हैं, तो अभी इसको ना स्टार्ट करते हैं फिर आपको इसकी साउंड सुनाते हैं भाई। ये हो गया इंजन स्टार्ट। देखो भाई चाहे 2016 रजिस्टर्ड है गाड़ी, इंजन में कोई भी आपको अलग सी नॉइस नहीं दिखेगी, बिल्कुल क्लियर नॉइस है। जहाँ से भी आप देख सकते हो भाई इंजन बिल्कुल क्लियर हो गया भाई गाड़ी, ठीक है जी। थोड़ी रैप करके साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई सबसे पहले इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस वो 180 mm की आती है यार, बहुत ज़्यादा है, नीचे लगने के कोई चांस है नहीं। ये फुट स्टेप्स भी दिया हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए, जो कि प्रॉपर फील देता है कि ये गाड़ी SUV है। 15 इंच के वैसे इसमें नॉर्मल टायर ही आते हैं, चाहे कोई भी वेरियंट ले लो आप, पर ओनर ने इसमें ना अलॉय डलवा रखा है तो सही लग रहा है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई ये देख लो, स्पेशल एडिशन की बैजिंग इसके ऊपर बलैरो के पास,
ठीक है ना, तो जो बताता है कि हाँ भाई ये स्पेशल एडिशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी बताई कि इसका पेंट, जो कोई भी आके इस गाड़ी को देखेगा कि इसके पेंट क्वालिटी से उसको पता लग जाएगा भाई कि ये स्पेशल एडिशन ही है। और बाकी तो ये देख सकते हो भाई, डिजाइनिंग के लिए कंपनी ने साथ में ब्लैक कलर की मोल्डिंग दे ही रखी है साइडों पे। और भाई जो इसके ये बार वाले ओआरवीएम है, ये हाथ से ही फोल्ड होते हैं, ये ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होते। इंडिकेटर यहाँ पे साथ में दिया हुआ है भाई, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है ये ओआरवीएम्स के नीचे नहीं आता इसमें भाई। वो बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें, देखो भाई जो स्टिपनी है पीछे विद अलॉय मिल रही है, क्या कहते हैं, मीन्स टोटल 5 अलॉय हो गए गाड़ी में, ठीक है। और ये भाई पीछे वाला वाइपर भी मिल रहा है इसमें। और जो इसका क्या कहते हैं पिछले वाला दरवाज़ा है वो साइड से खुलता है, वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई। ये ऐसे देखो, दो सीटें पीछे भी दी हुई हैं। अगर हम इन सीट को फोल्ड कर दें तो 690 लीटर का बूट स्पेस हमें इसमें मिल जाता है। साइड पे ये देख लो भाई, डोर हैंडल ये दिया हुआ है, अंदर से अगर खोलना हो तो ये वाली जगह ये प्रोविज़न दी हुई है। और ये देखते हैं ये क्या, हाँ अच्छा, ये भाई ये वो चीज़ है कि जिसमें हम पानी भर सकते हैं, फिर जो शीशा साफ़ करना है जैसे बाहर वाइपर दिया हुआ है तो उससे किया जा सकता है। इसको बंद कर देते हैं भाई। और भाई लाइटों के बारे में बात कर लें, बिल्कुल नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, उसके बाद इंडिकेटर दिया हुआ है। एक तो क्या कहते हैं ब्रेक्स के साथ जलता है, एक नॉर्मल वाला है। ऐसे ही भाई इस साइड में दिया हुआ है, दूसरी साइड में। तो ये भाई इसमें कोई LED नहीं है, ये सिर्फ सारा हेलोजन का ही सिस्टम इसमें रखा हुआ है गाड़ी में। और जो साइलेंसर है भाई, ये आप देख सकते हो भाई, इसके नीचे आता है। अब भाई वो बात करते हैं यार इसके इंटीरियर के बारे में। यार इंटीरियर में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये दिखा दूँ कि भाई इसके जो कंपनी से ही सीट कवर डल के आए थे ना, इसमें वही डले हुए हैं। ये आप देख सकते हो, इस पर भी स्पेशल एडिशन की बैजिंग लगी हुई है, ठीक है। ये वही हैं सीट कवर। और बाकी अगर मैं इसकी सीटिंग स्पेस के बारे में बात करूँ भाई, वो तो बहुत ज़्यादा खुली है, कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, क्योंकि अगर मैं सीट्स को पूरा पीछे करके भी चला रहा हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा खुली है ये गाड़ी। थाई स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। रिक्लाइन एंगल भी बहुत बढ़िया है। और क्या कहते हैं, सबसे पहले अब हम ना इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं और बैक स्पेस के बारे में इसके बाद बात करेंगे। इंटीरियर में यार कुछ बहुत ज़्यादा खास तो आता नहीं है, जैसे कि आपको पता है धाकड़ गाड़ी है, कि वो सोफिस्टिकेटेड तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर्स होंगे, सिंपल सिंपल है भाई। ये देख लो अपना म्यूजिक सिस्टम, नीचे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, 5-speed गियर बॉक्स आता है इसमें, और ये हैंड ब्रेक दी हुई है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कई लोग यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे कि भाई इसकी पावर विंडोज़ कहाँ है, उसकी भाई पावर विंडोज़ यहाँ पे नहीं आती, इसकी पावर विंडोज़ यहाँ पे आती हैं, चारों पावर विंडोज़ हैं, पर यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं, इनके दरवाज़ों में कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं आता भाई, मैं आपको ये बता दूँ। ग्लव कंपार्टमेंट के बारे में बात कर लें तो मोर देन इनफ है यार, वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी नहीं होती इसमें, जितना है काफ़ी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सामने एक हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे वॉच भी दी हुई है भाई इसकी, यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर आता है। ये स्पीडोमीटर में आप ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा फीचर्स आते हैं, नॉर्मल RPM और स्पीड और क्या कहते हैं फ्यूल के बारे में ये ज़्यादा बताता है, ठीक है। और अगर स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो भाई ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग, और इसके स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स कोई भी नहीं आते भाई इसमें। वैनिटी मीटर के बारे में बात कर लें, ये भाई यहाँ पे देख लो, ये साइड वाले पे दिया हुआ है, पर ड्राइवर साइड पे वैनिटी मीटर कोई भी नहीं दिया हुआ, तो एक साइड पे दिया, चलो बढ़िया यार, इतनी चीज़ तो दे दी इस गाड़ी में, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट भी नहीं आता इसमें। और ये जो IRVM है ये मैनुअल वाला है भाई, इसमें ऑटो वाला नहीं आता, चाहे टॉप वेरियंट हो चाहे कोई भी वेरियंट ले लो, इसमें सारे मैनुअल ही आते हैं। और जो नॉर्मल लाइट है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है भाई। अगली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की है, थाई स्पेस तो इसमें बहुत बढ़िया, रिक्लाइन एंगल भी गाड़ी में बहुत बढ़िया है, बट यार ये जो नी रूम होता है ये इसमें थोड़ा यार कम है गाड़ी में, मैं पहले ही बता दूं। और जो वैसे बलैरो यूज़ करते हैं उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी, और जो ये बलैरो को ख़रीदना भी चाहते हैं, जो तो बहुत तगड़े फ़ैन हैं उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और जो जिन्होंने वैसे बलैरो ख़रीदनी है कि हाँ बहुत ज़्यादा बंदों को बिठा के चलना है, तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी नी रूम में, और अदरवाइज़ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, 3 बंदे बैठ के इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो सीट है जो ड्राइवर के साथ वाली है वो ज़्यादा पीछे कर रखी है, इसलिए यहाँ पर स्पेस नहीं शो कर रहा, वो आप आगे देख सकते हो बहुत ज़्यादा पीछे कर रखी है सीट। तो ये था भाई स्पेस के मामले में। और अगर मैं अब इसके बैक स्पेस में देखूं भाई,
जैसे पीछे भी दो सीटें दे रखी हैं, वैसे तभी इसको सेवन सीटर कह देते हैं गाड़ी को। तो भाई गाड़ी की ना सीटें साइड पे लगा रखी हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि साइड पे बैठ के बंदा सीधा जा रहा है, कितनी मुश्किल होएगी उसको और कितना लंबा सफ़र कर लेगा? ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं कर सकता ऐसे बैठ के, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होएगा। बट हाँ, छोटा सफ़र बंदा कर सकता है। और ये देख लो भाई, सामने यहाँ पे भी लाइट्स दे रखी हैं इस गाड़ी में, और कहीं यहाँ पे हैंडल्स दे रखे हैं पकड़ने के लिए, वैसे वो तो सभी गाड़ियों में ही दे रखे होते हैं। तो भाई यही है भाई गाड़ी में जो है, इसके अलावा तो इस गाड़ी में कोई और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं नहीं। सो गाइज, ये था बलेरो का रिव्यू, वो भी स्पेशल एडिशन वाली का। तो भाई अगर किसी ने कोई भी गाड़ी सेकेंड हैंड लेनी हो ना, तो नंबर मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा भाई, वहाँ पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। भाई दिस इज़ इट फॉर टुडेज रिव्यू, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट रिव्यू। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।